जी केंद्र में भी सरकार जो है बीजेपी की है जी, और उत्तर प्रदेश में भी है, और जो लोग लव जिहाद कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? नहीं, उसके लव जिहाद पे तो मैंने आपको बात बोली नहीं, लेकिन विषय वही आ जाएगा। अगर विषय वही आ जाएगा तो लव जिहाद करने वाले लोग नाम बदल के आते हैं, तिलक लगा के आते हैं और कलावा बांध के आते हैं, अपना नाम हिंदू बताते हैं, तो ये प्रेम नहीं है, ये तो टारगेट है। अब षड्यंत्र करके अगर हम लोग ऐसा कार्य करेंगे तो ये तो एक तरीके से किसी को फ्रॉड है, धोखा देना है। अगर हम धोखा दे रहे हैं तो इसकी तो सजा होनी चाहिए ना, कठोर सजा होनी चाहिए। दूसरे आप बताइए कि अभी एक हीरोइन है जिसने विवाह किया है अन्य धर्म, और उस धर्म के धर्मगुरुओं ने यह कह दिया कि जब तक ये धर्म परिवर्तन नहीं करेगी तब तक ये शादी मान्य नहीं है, ये तो आपके चैनलों ने भी चलाया। अगर शादी अमान्य है, वो शादी जो है मान्य ही नहीं है, और एक वो पहुंची हुई लड़की है जिसने नाम कमाया इस देश में, उस लड़की के लिए कह दिया गया धर्मगुरुओं के थ्रू उनके कि ये शादी जो है जायज नहीं है, नाजायज है, जब तक ये धर्म परिवर्तन नहीं करेगी। इसका मतलब है लव कहां रहा फिर उसमें? शादी टारगेट हो गई धर्म परिवर्तन कराने के लिए, मतलब धर्मगुरु तो मानेंगे नहीं उसे, और धर्मगुरु मानेंगे नहीं तो जीवन, अब उनके जो बच्चे आएंगे वो कौन होंगे, जायज कि नाजायज? उन्हें आप क्या कहेंगे, हिंदू कहेंगे मुस्लिम कहेंगे, क्या कहेंगे उसे आप? उन्हीं के धर्मगुरुओं ने उस बच्ची के आने वाली पीढ़ी को नाजायज घोषित कर दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में ये विचार आया कि भारत सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे सनातनी बच्चे सिर्फ सनातनी परिवारों में ही विवाह करें, जिससे हमारी बेटियां सुरक्षित रहे और उनकी शादी को कोई नाजायज ना कहे। लेकिन मैं आप सब मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं उनके माध्यम से एक और मैसेज अपने सरकार को, प्रदेश सरकार को, देश की सरकार को कहना चाहता हूँ कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए जिससे हमारे सनातनी बच्चों का विवाह सिर्फ सनातनी परिवारों में ही हो, जिससे किसी भी बेटी के कई टुकड़े न हो। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे सनातनी एक भी सनातनी बच्चा जिसको अपनी जान से हाथ धोना पड़े, जिसे अपना धर्म परिवर्तन करना पड़े मजबूरी में, जिसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़े, जिसके माँ बाप को पूरा जीवन रो रो के बिताना पड़े, ऐसे कोई भी बच्चा इस देश में नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित वही बच्चे होते हैं जो हमारे सनातन को छोड़कर अन्य धर्म में जाके विवाह कर लेते हैं। तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि एक ऐसा कानून अवश्य बनाए जिससे सनातनी बच्चों का विवाह सनातनी परिवारों में ही हो। ऐसी प्रार्थना आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूँ, और सरकार इस पर सीरियसली सोचे, क्यों? कानून जनता के लिए होते हैं, जनता कानून के लिए नहीं होती है। तो हमें कानून बनाना चाहिए अपने भारतीय सनातनी बच्चों की सुरक्षा के लिए कि कोई भी बच्चा असुरक्षित इस देश में न रहे। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।